लखनऊ नवाबों का शहर न सिर्फ तमीज और तहजीब के लिए जाना जाता है बल्कि खाने और पहनने के लिए भी जाना जाता है। ये लखनऊ है जनाब, यहाँ पर चिकन खाए भी जाते हैं और पहने भी जाते हैं। गाइस अभी मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ के ऐतिहासिक जगह और खान पान लोगों का मन ही नहीं दिल भी जीत लेता है। वेलकम बैक टू द सिटी ऑफ नवाब और द सिटी ऑफ तहजीब। जनाब ये लखनऊ है, जरा मुस्कुराइए। This place is called Eco Garden and it was built by Mayawati. गाइज इस वक्त मैं ऑटो में बैठी हूँ, यानी कि मैं बस से उतर चुकी हूँ और मैंने ऑटो ले लिया है अपने होटल तक जाने के लिए। बट गाइज रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। इस रोड को, इस सड़क को देखने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि लखनऊ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मेरे राइट साइड जो आप इमारत देख रहे हैं ये है इको गार्डन। गाइज इस इको गार्डन को मायावती ने बनाया है और यह बहुत ही लंबा और बहुत ही खूबसूरत है। गाइज यह गार्डन आशुतोष नगर सेक्टर एच तिवारीपुर लखनऊ में है। यह गोमती नदी के किनारे 113 किलोमीटर लंबा स्थित है। गाइज ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि लखनऊ सबसे ओल्डेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी है। गाइज इको पार्क खत्म होते ही आ जाता है मेन शहर और मेन शहर में ही हमारा होटल है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने होटल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा रिलैक्स होंगे और इसके बाद हम फिर से घूमने के लिए चलेंगे। गाइज आफ्टर रेस्टिंग वी आर रेडी टू विजिट। तो गाइज अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ऑटो और यहाँ से हम जाएंगे इमाम बाड़ा। गाइज हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और इमाम बाड़ा के लिए निकल चुके हैं। बट गाइज लखनऊ में चिकन के कपड़े बहुत ही फेमस है, तो मैं उस शॉप में भी जाने वाली हूँ जहाँ पे ब्रांडेड चिकन के कपड़े मिलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैं यहाँ उतर कर इस शॉप में जा रही हूँ। यह शॉप बहुत ही फेमस है, इस शॉप का नाम है अमन चिकन। यहाँ पर जाने के बाद आपको चिकन का भंडार दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर जो भी कपड़े हैं सब चिकन वर्क में ही मिलते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक कुर्ती लिया है, कम रेंज का भी मिल जाता है और हाई रेंज का भी मिल जाता है। दिस इज द मोस्ट फेमस चिकन वर्क शॉप इन लखनऊ। तो यहाँ पर मुझे दो कुर्ती पसंद आया जो कि लगभग 5000 के आसपास है, तो मैंने यहाँ पे एक ही कुर्ती लिया है। इसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और जा रही हूँ इमामबाड़ा। तो गाइज इस वक्त मैं इमामबाड़ा में हूँ। इमामबाड़ा यहाँ पर आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। आर्किटेक्ट का वर्क बहुत ही ओल्ड है और बहुत ही यूनिक है। तो इस जगह को देखने से ही लगता है कि यह नवाबों का शहर है।
काफी सालों तक यहाँ पर मुगलों ने राज किया है और उसी का जो सिम्टम्स है, यानी कि उस टाइम जो भी काम किया मुगल के राजा ने, जो यहाँ पर इमारतें बनाई, तो वो सब चीजें यहाँ पर ऐतिहासिक प्लेस के रूप में देखे जाते हैं। गाइज, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत अंदर जाने वाली नहीं हूँ, बाहर से ही थोड़ा घूमूंगी और बाहर का जो व्यू है आपको दिखा रही हूँ कि देखने से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली अंदर भी अच्छा होगा। यहाँ से निकलने के बाद हमें भूख लगी है, तो हम लोग खाने के लिए गए हैं। यहाँ पर बिरयानी बहुत ही फेमस है, यानी कि लखनऊ का नॉनवेज रेसिपी जो है बहुत ही फेमस है और लखनऊ का बिरयानी बहुत पसंद है। तो इनके पास मैं देख रही हूँ कि बिरयानी जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट हमें भूख भी लगी है और थोड़ा सा हमें टेस्ट भी करना है। जितना था इनके पास वो सभी हमने ले लिया है और बड़े ही चाव से खाया है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनी है। खाने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं। 4 बजे हमारा ट्रेन है, तो हमें ट्रेन पकड़ना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है लखनऊ का रेलवे स्टेशन। तो देखने से रेलवे स्टेशन भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुराना इमारत है, राजा महाराजा के टाइम का जो इमारत होता है। यहाँ पे इमारतों में भी मुगलई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यह राजा महाराजा के टाइम का रेलवे स्टेशन। तो गाइस हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं, हमारा टाइम हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टेक केयर। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।